हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए चावल की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट रेसिपी, बहुत ही अच्छा बनता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मैंने लिया है थोड़े से बचे हुए चावल, अब मैं इसका बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे ग्राइंड करना है। चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया है बिना पानी डाले, क्योंकि हमें चावल गीला नहीं चाहिए। तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। इसके बाद चावल के साथ हम ऐड करेंगे दो उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू, दो कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना और दरदरा पिसा हुआ जीरा, पिंच ऑफ हींग, पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा गेहूं का आटा। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे चिकना कर लेंगे। नरम आटा हमारा बन गया है, तो चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, थोड़ा सा हाथ में लगा के किचन फ्लोर पे ही मैं इसे बनाऊंगी। इसमें से हम एक बॉल लेंगे, थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसे हम बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। और इसे फोल्ड करेंगे और इसे फिर से बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे। और ये हमारा तैयार हो गया है सेकने के लिए। अब इसी तरह हम और पराठे बना लेंगे। पैन को हमें गरम कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और अब हम इसमें पराठे को रखेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। जैसे हम रोटी और पराठे को सेकते हैं उसी तरह से हम इसे भी सेक लेंगे। नीचे की तरफ से हमने सेक लिया है, अब हम उसे उस तरफ पलटेंगे। थोड़ी देर हम नीचे की तरफ भी इसे पकने देंगे। पराठा दोनों तरफ से सिक चुका है, तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से और पराठों को हम सेक लेंगे।
बचे हुए चावल की रेसिपी बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान था और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही नरम बना हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बचे हुए चावल से इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।